उनकी भी मंशा जो हम कहना चाहते थे उनकी भी मंशा, उन्होंने कहा कि मेरी भी मंशा यह है कि पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत मजबूत हो और जम्मू कश्मीर से जो पंचायती राज निकले वो एक मॉडल बने। तो उन्होंने हमारे जो जज्बात थे उनको समझा है और आश्वासन दिया है कि आपके जो आपकी जो जो आपकी मंशा है उसको पूरा किया जाए। जी आज आप गए थे, क्या कुछ बात है, क्या कुछ आश्वासन मिला? देखें उन्होंने एक तो राइट हमारे जाने से पहले तकरीबन हमारी बातें वहाँ पहुँच चुकी थी कि हम क्या चाहते हैं, प्रोटोकॉल के मतलब में है और हमारा और कौन कौन सा CDF का था, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड है, जैसे हिमाचल में उन्होंने 1 करोड़ रुपये रखा हुआ है एक DDC मेंबर को, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे थे। तो उन मुद्दों के ऊपर मुझे लगता है उन्होंने डेलिब्रेशंस कर रखे थे, तो वहाँ पे हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को भी बुला रखा था और जो सेक्रेटरी RDD हैं शीतल नंदा जी वो भी वहाँ पर मौजूद थी और हमारे जो ये 12 के 12 साथी थे ये भी यहाँ थे और सब ने खुल के बात रखी और उन्होंने खुल के बात सुनी और उन्होंने बोला कि आप जो आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा ही मजबूत करेंगे। तो और ये मीटिंग्स एक ही मीटिंग में सब कुछ ख़त्म होने वाला नहीं है, ये भी उन्होंने प्रपोजल रखा कि जब आगे इसको ड्राफ्ट करेंगे बिल को तो उसमें ये जो है सभी की राय और जो ली जाएगी और उसमें टाइम टू टाइम इसमें मीटिंग्स की ज़रूरत होगी और जो ये हम 12 मेंबर आए हैं इनको दोबारा वो बुलाएंगे और जो वो ड्राफ्ट फाइनल होगा तो उनसे डेलिब्रेट कर लिया जाएगा। जी जी जी, क्योंकि जब उन्होंने बोल दिया कि इसको रीड्राफ्ट किया जाएगा तो दैट मींस दैट ऑर्डर स्टैंड्स कैंसिल्ड। जब गवर्नर महोदय ये कहते हैं कि ये जो है इनसे पूछ कर ये जो कर लिया जाएगा दोबारा तो दैट मींस दैट ऑर्डर स्टैंड्स कैंसिल्ड, हिज वर्ड इज मोर देन इनफ कि उन्होंने ये कहा है कि भाई हम इसको जो है रीड्राफ्टिंग में जो है इनको हमारी जो है राय ली जाएगी, हमारी जो कमेटी मेंबरान है इनकी राय ली जाएगी। तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई भी साथी ऐसा है, चाहे वो कश्मीर से था, जम्मू से था, कहीं किसी भी कोने में से था, तो उनकी बात सुनी गई है और उन्होंने बोला है कि आपको जो ये जो बनाया गया है ये जो 3 टायर जो DDC इसको सशक्त करने के लिए बनाया गया, कमज़ोर करने के लिए नहीं, और इसमें वक्त लग सकता है के जैसे कि पावर ट्रांसफ़र करने में जो है वो पहले भी वक्त लगा, बड़ी मुश्किल से बैक टू विलेज में कई जगह वो बता रहे थे, इंस्टांसिस बता रहे थे चीफ सेक्रेटरी साहब के, जो BDC को चेकबुक को हैंडओवर कराने से BDO से कितना वक्त लग गया, 6 महीने लग गए। तो उस तरह वो कह रहे हैं कि ये पावर ट्रांसफ़र में जो है एक समय लगा है, सिंस इट इज़ न्यू टू द स्टेट तो उसमें वक्त लग रहा है, बाकी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि वो हो जाएगा। बाकी ये भी एजेंडा हमने सामने रखा कि DDC के बाद और BDC के ऊपर DDC जो ऊपर है तो उसको डिफरेंशिएट किया जाए, वो भी उन्होंने माना और उस पॉइंट को तो नोट किया। आंदोलन फिलहाल कॉल ऑफ? फिलहाल कॉल ऑफ है, बिल्कुल कॉल ऑफ है, क्योंकि ये सभी साथियों का यही मानना है कि क्योंकि हमें कहीं भी गवर्नर महोदय जी ने ऐसा नहीं कहा कि जिससे ये लगे कि हमारी बात नहीं मानी जा रही, ये तो संतुष्ट है, हम इस बात पे संतुष्ट हैं। एक क्लेरिफिकेशन है, अभी जो मीडिया में ये कहा गया था कि हम आंदोलन पे है, इट वाज नेवर लाइक दैट, वी आर नॉट फाइटिंग फॉर समथिंग वेरी पर्सनल, बेसिकली वी ऑल वेयर फाइटिंग टू स्ट्रेंथन द बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। अब मीडिया में किस तरह से ये प्रोजेक्ट हुआ कि ये शायद प्रोटोकॉल वाला मसला है, ऑनरेरियम वाला मसला, इट वॉज नेवर दैट। अवर इंटेंशन वाज कि जो कंसीव किया गया है आइडिया, उस आइडिया को मजबूती प्रदान करने के लिए इस इंस्टीट्यूशन को मजबूत किया जाए, और आज जब हमें लगे कि LG साहब भी इसी आइडिया के साथ है तो आंदोलन वाली बात ही नहीं रही। बिकॉज वो कुछ लोगों का प्लांटेड लोग थे जो लोगों को पैसे दे के बुलवाया जा रहा था कि ये हम किसी ऑनरेरियम के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा कतई था ही नहीं, हम ऑनरेरियम की नहीं, ये स्टेटस की बात थी, ये हमारे इंस्टीट्यूशन की पावर की बात थी, जो हम DDC के चुन के आए हैं चुनाव उनकी उनको स्ट्रेंथन करने की बात थी, बाकी हम किसी ऑनरेरियम के लिए नहीं लड़ रहे थे। अलबत्ता वो एक अलग से सिस्टम है, वो सरकार खुद देखेगी, लेकिन हम जो मेन मुद्दा था वो था हमारा जो प्रोटोकॉल है, एम्पावरमेंट ऑफ द PRI है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जो ख्वाब देखा उसको पूरा करने की बात थी। हमने कहा बा इत्तेफाक राय कहा कि हमें ऑनरेरियम 1 रुपया दे दीजिए,
हमें उससे कोई गरज नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा चाहते हैं, लेकिन हमें पावर्स दे दीजिए ताकि हम अपने लोगों के जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो उनके मुद्दे हैं, जो उनके मसले हैं, उनका अजाला और उनके निवारण कर सकें। हमारी सिर्फ और सिर्फ लड़ाई जो है वो ये है।